आइए आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो मैं आपको पेशेंट बताने वाला हूँ वो पेशेंट है प्योरली स्किजोफ्रेनिया का केस स्टडी। इसमें ये लड़का जो है वो इतनी इरिलेवेंट बातें करता है, मतलब इतनी बेफजूल की बातें, अपने आप से बातें करना, इशारे करना, कुछ तो भी मतलब कुछ तालमेल नहीं बातों में, और बैठे बैठे कुछ भी हाथ इधर से उधर करना, इशारे करते जाना, बहकी बहकी बातें करना, सोने का नहीं, खाना टाइम पे खाने का नहीं, अकेले अकेले बैठे रहना, फिर स्नान नहीं करना, खुद की मतलब केयर नहीं लेना, ऐसा पूरा एक साल भर से उसको स्किजोफ्रेनिया की मतलब बीमारी थी और स्किजोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ था। उसको कोई दवाई दिया नहीं उन्होंने, बाहर का है कोई भूत घुसा हुआ है, क्योंकि वो बातें पुराने लोगों की करता था या कोई मरे हुए लोगों की बातें करता, उनको लगा कि भाई कुछ तो भी बाहर का है ये, और उन्होंने कुछ तो भी मतलब बाबा को, महाराज को बताया, दरगे पे लेके गए, उसका इलाज किया, आखिर फिर उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास में लेके आ जाओ, बता दिया हमारे पास में लाया उसको। हमने सिंपल बोला भाई ये तो स्किजोफ्रेनिया, पहले मेडिसिन दे के देखते हैं, और मेडिसिन दे के देखने के बाद में उसका कितना फ़ायदा होता है वो हिसाब से फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगा देंगे। रिलेटिव एग्री हो गए और हमने उनको मेडिसिन लिख के दिया, एंटी साइकोटिक्स, और वो मेडिसिन में उसको इतना फ़ायदा हो गया, इतने रिलेटिव्स खुश हो गए, बोले हमको ऐसा मतलब विश्वास ही नहीं आ रहा है कि वो इतना अच्छा हो सकता है, मतलब एक साल से हम भुगत रहे और इतना अच्छा हो सकता है, विश्वास नहीं आ रहा है उनको, इतना फ़ायदा उनको वो मेडिसिन का हुआ। मेडिसिन का फ़ायदा इतना मतलब देने से एक साल की बीमारी निकल जाती है। देखो जो हाइपोथेसिस है, डोपामिनर्जिक हाइपोथेसिस ऑफ स्किजोफ्रेनिया, वो कितना सच है इस पर से मालूम पड़ता है, क्योंकि डोपामिनर्जिक इफेक्ट कम करने के लिए मैंने दवाई दिया। भेजे में जो केमिकल लोचा होता है, जो केमिकल इम्बैलेंस होता है, रिसेप्टर्स का प्रॉब्लम होता है, उसका ऑल्टरकेशन करने के लिए मैंने दवाई दिया, वो दवाई से उसका जो ब्रेन में केमिकल लोचा था, इम्बैलेंस था, वो ठीक हो गया और पेशेंट नॉर्मल हो गया। ना बाकी कुछ करने की जरूरत पड़ी, ना शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ी, ना बाकी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं, इलाज नहीं, सिर्फ मेडिसिन दिया और अच्छा हो गया। तो ये देखिए वीडियो। ये पहले का वीडियो है मेडिसिन देने के बाद में, अभी ये वीडियो आपको बताते, ये लोगो वीडियो, ये बात का वीडियो है। बरवाटा आता काय झालं तुम्हाला? तब्येत बिघडली होती, आता बरी आहे। किती दिवस झाले औषध घेऊन? एक महिना मागच्या वाटतं एकदम। हो काय झालं होतं तुम्हाला माहित नाही? तब्येत बिघडली होती। म्हणजे काय झालं होतं नेमकं तुम्हाला आठवते का नाही? आठवते मागच वाटला। बरं ठीक आहे, एकदम फ्रेश झालं नाही? हां तुम्ही सांगा तुमचं मनोगत इकडे जसे मी दाखवत नाही तुमचा चेहरा कुठं, ब्लॉक करून टाकू चेहरा। सांगा काय तकलीफ होती याला? नाचायचं इच्छा होती त्याची, म्हणजे एकदम लगेच डान्सच करायचा, घुंगर पायाला बांधायचा, ओंडी डोक्यावर घ्यायचा, पुन्हा रट्टे द्यायचा, पळायचं करायचा, बडबड करत होता, बडबड करत होता जास्त, ऐकायचंच नसतं कोणाचं। गोळ्यांनी एकदम फरक पडला? गोळ्यांनी एकदम फरक पडला। किती दिवसात? महिन्यातच। एका महिन्यात? एका महिन्यात टकटक झाला एकदम। आता काय करतो? काय कंपनीमध्ये? आता कंपनीमध्ये दिवाकरच्या मी पहिले कामावर होतो, कामाला होता कंपनीत, आता जाय जॉब करा। आता जातो का? हा जॉब करा। ठीक ओके। ये देखो लोगों को बताना जरूरी है, लोग बहुत हमारे देश में बहुत ही अनजान है, मतलब उनको मालूम नहीं है, अज्ञानी है, उनको अभी भी लगता है, कितने सारे लोग देहात से जो आते बोलते कि नहीं नहीं ये तो बाहर का है, कुछ तो भी भूत पलीत का है, और वो बाकी इलाज बाहर करते रहते हैं, तो उनको यदि दवाई बराबर हुई तो व्यक्ति तो अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 20 लोग परेशान रहते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी,
और ये जो लड़का अच्छा हो जाता है, ये जो पेशेंट अच्छा हो जाता है, वो कमाने लगता है, अपना घर संस्कार फिर से बसाता है और काम करने लगता है। तो कितना सारा अच्छा काम हो जाता है एक पेशेंट यदि एक अच्छा हो गया। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।